ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं मैट्रिक के एग्जाम में। प्रथम, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ए नंबर है समतल, बी नंबर उत्तल, सी नंबर अवतल, इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, ए नंबर सीधा, बी नंबर उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5, 7। इसका करेक्ट आंसर डी है 7। जब श्वेत रंग को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है, इसका मतलब ये 7 रंगों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है? ए नंबर उत्तल, अवतल, समतल, इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा उत्तल। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, दृष्टि पटल, इनमें कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसे भी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है 0, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें कोई नहीं। अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर, इसे ऐसे सूचित किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।